नमस्कार दोस्तों, अच्छा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस वीडियो प्लेलिस्ट में आप जानेंगे इंडिया के स्टार्टअप्स कंपनीज की जर्नी के बारे में, जो एक छोटे से स्टार्टअप के रूप में शुरू हुई थी और आज मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप की सूची में शामिल है और मल्टीनेशनल कंपनी को भी टक्कर दे रही है। सो लेट्स स्टार्ट इट। आज की हमारी स्टार्टअप कंपनी का नाम है डिलीवरी। डिलीवरी एक भारतीय सर्विस प्रोवाइडर की चेन है। इसकी स्थापना 2011 में साहिल बरवा, मोहित टंडन, भावेश मंगलानी, सूरज सहारन और कपिल भारती द्वारा की गई थी। इसे कार्लाई ग्रुप, टाइगर ग्लोबल, फोसोन इंटरनेशनल द्वारा समर्पित किया गया था। सॉफ्टबैंक विजन फंड, नेक्सस वेंचर पार्टनर्स, मल्टीपल्स और CCP इन्वेस्टमेंट बोर्ड निवेशकों के रूप में शामिल है। इसमें गुरुग्राम स्थित कंपनी में 75 पूर्ति केंद्र, 24 ऑटोमेटेड सॉर्ट सेंटर्स, 70 हब, 2500 डिलीवरी सेंटर, 8000 से ज़्यादा पार्टनर सेंटर, 14000 से ज़्यादा वाहन और 40000 से ज़्यादा कर्मचारी है। इसमें वर्तमान में दिल्ली में प्रतिदिन 1 मिलियन पार्सल से अधिक संसाधित करने की क्षमता है, जिसकी भारत में 18000 से अधिक पिन कोड है। अब जानते हैं कैसे शुरू हुई डिलीवरी की जर्नी। यह रात में लगभग आधा समय था जब सूरज और साहिल गुड़गांव के नज़दीक रेस्टोरेंट में खाना मंगवाया था। जब उनके पास डिलीवरी मैन उनके दरवाजे के सामने खड़ा था तो उन्हें डिलीवरी बॉय से एक बात जानने को मिली और उन दोनों ने स्टोर के प्रबंधक से बात करने का फैसला किया। जल्दी वो रेस्टोरेंट के मालिक से भी बात कर रहे थे। मालिक ने अपनी समस्या बताई कि कैसे क्यों हुआ। तथ्य यह है कि साहिल और सूरज इनका हल जानते थे और यहीं से शुरू हुई दिल्ली वालों की शुरुआत। साहिल और सूरज ने बताया कि साहिल ने उनके और रेस्टोरेंट के मालिक के बीच सटीक बातचीत हुई। रात के 11:30 बज रहे थे। साहिल को अभी भी याद थे कि अपनी बाइक लेकर मालिक अनुज बजाज से मिलने गए थे, जो आश्चर्यचकित होने वाली बात थी क्योंकि वो वहीं पर थे। उन्होंने कहा कि वह रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं। वह वास्तव में खुश था कि हम आए थे क्योंकि वह चाहता था उसके कर्मचारी कहीं और स्थानांतरित हो जाए। हमने कहा कि हम इसलिए आए हैं, हम आपके सभी कर्मचारियों को काम पर रखेंगे। और ऐसे धीरे धीरे फूल और भोजन की डिलीवरी करने से काम शुरू हुआ। इस समय के दौरान ऑनलाइन रिटेलिंग और ई कॉमर्स सेगमेंट भारत में तेज़ी से विस्तार कर रहे थे, जिसमें वैश्विक निवेशक उद्योग में महत्वपूर्ण रुचि दिखा रहे थे। डिलीवरी की स्थापना मई 2011 में शुरू हुई। शुरुआत में इसे हाइपर लोकल एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर के रूप में ऑफलाइन स्टोर्स के लिए शुरू किया गया था। संस्थापक बरुआ और टंडन, जो उस समय मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म बैंड एंड कंपनी के सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे, उद्योग के आकार और क्षमता को देखते हुए और सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। जून 2011 में डिलीवरी ने अपनी पहली ई कॉमर्स क्लाइंट अर्बन टच पर हस्ताक्षर किया, जो एक ऑनलाइन फैशन और ब्यूटी रिटेलर है। अगस्त 2011 तक डिलीवरी ने कई ई कॉमर्स कंपनियों को लॉजिस्टिक्स सेवाएं प्रदान करने की ठान ली और स्विच भी कर दिया उनको। संस्थापक साहिल बरुआ डिलीवरी के CEO है। संदीप प्रबंध निदेशक को दिसंबर 2018 में मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पार्सल, वेयरहाउसिंग और फ्रेट डिवीजनों में P&L के प्रभारी है। उसी समय CFO रहे अजीत भाई को CEO की भूमिका संभाली, जहां वह कंपनी के संचालन, इंजीनियरिंग, मानव संसाधन और वित्त के भी प्रभारी है। इसी बीच IIT कानपुर के पूर्व छात्र अमित अग्रवाल, जो पहले दिल्ली में उपाध्यक्ष वित्त थे, उन्होंने CFO की भूमिका संभाली। दिसंबर 2018 में बेरवा ने दिल्ली में इंजीनियरिंग इनोवेशन टीम का नेतृत्व करने के लिए मुक्ता लिमिया की ऑनबोर्डिंग की भी घोषणा की। मार्च 2019 में डिलीवरी ने सॉफ्टबैंक से
$413 मिलियन के निवेश के साथ अपने सबसे बड़े दौर की फंडिंग जुटाई। अब जानते हैं डिलीवरी को किन किन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2016 में यंग टर्क स्टार्टअप ऑफ द ईयर, 2018 में महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सलेंस अवार्ड, 2019 में 80 स्टार्टअप ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अभी दिल्ली एक्सप्रेस में डेली 5000 ट्रक चल रहे हैं, 700 मिलियन शिपमेंट डिलीवरी हो चुकी है। अभी मोस्ट ऑफ ऑनलाइन चीज़ जो आप ऑर्डर करते हो वो डिलीवरी से ही आती होगी। आज का हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।